धर्म की रक्षा बातों से नहीं हुआ करती। धर्म की रक्षा के लिए बड़ा बलिदान करना पड़ता है। आप कल्पना करिए कैसे माँ ये बोल पाई होंगे। बेटा अगर माता पिता दोनों ने कहा है तो चले जाओ, सुख से जाओ। तो कानन सत अवध समान। धर्म की रक्षा के लिए बहुत त्याग, बहुत बलिदान। मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था। पति पत्नी गोवा घूमने गए। गोवा तो गोवा में बहुत बड़ा स्टैचू लगा है ईसा मसीह का, वो क्रॉस पर लटके हुए, फांसी पर ऐसे लटके हुए। तो जो पत्नी थी उसने साष्टांग प्रणाम किया, 3 बार माथा टेका। पति ने कहा कि मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, मुझे तो तुम कभी दंडवत नहीं करती और इसको कर रही हो। तो पत्नी ने कहा जब ऐसे लटक जाओगे तो तुमको भी करने लग जाऊंगी। लटको तो सही, उस स्तर पर आओ तो सही। तो धर्म की रक्षा बहुत कठिनाई से। कह तो दिया सिद्धांत, लेकिन माँ एकदम पछाड़ खाकर गिर पड़ी। राघव विश्वामित्र जी मांग कर ले गए थे। हम जानते हैं कि कैसे एक एक दिन हमने काटा था। जाओ बेटा, और धिक्कार देने लगे, अरे अयोध्या तू कैसी अभागिन है। बड़ भागी बन अवध कर। माँ तो गिर गई, भगवान सोच रहे अब क्या करूं। मुझे लगता है कहीं अभी ने प्राण छोड़ दे। तो जब माँ की चीखने की रोने की आवाज सुनी तो जानकी जी दौड़ कर आई। प्रभु क्या हुआ माँ को? और जानकी जी, इस समय बहुत बड़ा संकट हम लोगों पर आया है। पिताजी उधर केकई माँ के भवन में मूर्छित हैं, माँ यहाँ हैं। मुझे 14 वर्ष वनवास की आज्ञा हुई है, मुझे 14 वर्ष के बाद वापस लौटना है। मैं वन को जा रहा हूँ, मेरी माँ की रक्षा कर। अपनी माँ के प्राण में तुमको गिरवी देकर जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँ मुझे मेरी माँ जीवित मिली। किसी ने कहा प्रभु मैं तो आपकी छाया हूँ, आप क्या अपनी छाया छोड़कर जा सकते हैं क्या? और आपको मालूम है जी बीनु दे का वर्णन करके, राक्षसों का भयानकता का वर्णन करके जानकी जी को समझाने का प्रयत्न किया। जानकी जी ने कहा प्रभु जैसे जल के बिना नदी की कोई शोभा नहीं, जैसे प्राणों के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे पति के बिना नारी का कोई जीवन नहीं। पति विहीन सब शोक समाजु, भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरिस संसारु। भगवान
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। मैं टूटी झोंपड़ी में रह लूंगी, फटे कपड़े पहन लूंगी, भूखी सो लूंगी, लेकिन मुझे ये राजभवन में नहीं आनंद मिलेगा प्रभु। मैं तो आपके श्री चरणों का मुखमंडल का दर्शन करते करते मुझे दुख याद ही नहीं आएगा। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। आपको देख देख कर जीऊंगी, मुझे कोई सुख साधन की चिंता ही नहीं। आप नहीं ले चलोगे तो मैं प्राण छोड़ती हूँ, मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। अब भगवान ने सोचा जब जानकी जी प्राण छोड़ देंगे तो लीला कैसे। बोला अच्छा जल्दी चलो, जल्दी तैयारी करो, 19-20 कोई बात हो गई, पिताजी शरीर छोड़ दिए या माँ तो फिर जा नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। इतने में तो लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी को जानकारी मिली कि भगवान का वनवास हो गए, तो सेना की गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी करा रहे थे, रोने लगे। भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाया, अब भरत यहाँ नहीं, शत्रुघ्न यहाँ नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, अब अयोध्या की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लक्ष्मण जी का, महाराज मैं तो किसी को जानता ही नहीं, गुरुपित मात न जानू कहूँ, मैंने तो जब आँख खोली तो आपके चरणों में ही खोली थी, मैंने तो आपके चरण देखे, मैं तो किसी को न जानता हूँ न पहचानता हूँ। और प्रभु नहीं ले जाओगे आप तो मैं सरयू में डूबता हूँ, आप सरयू पार भी नहीं कर पाओगे तब तक मेरा शरीर छूट जाए। अब भगवान बड़े धर्म संकट में, जो आ रहा है वही मरने की बात बोल रहा है। भगवान ने कहा तो अच्छा ऐसा करो, माँ से आज्ञा लेकर आओ, मांगो विदा मात सन जाई, माँ से विदा लेकर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा चले तो नहीं जाएंगे? बोले नहीं। लक्ष्मण जी सुमित्रा माँ के पास आए, अभी तक इस माँ को कोई समाचार नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने जाकर, जाए जनन पग नायो माथा, जाकर जब माँ के चरणों में प्रणाम किया तो माँ ने कहा लखन मुहूर्त बदल गया है क्या, घड़ी कुछ टल गई है क्या, रास्ते लगे अभी तक बाजे बज रहे थे, जय जयकार हो रही थी, अब कुछ सब शांत हो गया, क्या बात हो गई, कार्यक्रम कुछ बदल गया क्या। लक्ष्मण जी का, माँ तू बड़ी बावली है, तुझे कुछ मालूम है अयोध्या का भाग्य फूट गया, क्या हुआ? बोले भगवान का 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो भगवान जानकी माँ के साथ वन को जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, और मैं भी, तू भी, हाँ तो यहाँ क्यों आया है फिर? बोले भगवान ने कहा है कि माँ से आज्ञा लेकर आओ, मुझे आज्ञा दीजिए। माँ से? कौन माँ? लक्ष्मण जी ने कहा कौन माँ, अरे तू मेरी माँ है कि नहीं? सुमित्रा जी एकदम खड़ी हो गई। लखन आज कहा सो कहा, आइंदा मुझे माँ कहकर मत बोलना, मैं तेरी माँ नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने कहा तू मेरी माँ नहीं है तो फिर मेरी माँ कौन है, मैं तो तुझे ही माँ जानता हूं, फिर मेरी माँ कौन है? सुमित्रा जी ने कहा कि भैया मैं तो तेरी धरोहर की माँ थी, केवल गर्भ धारण करने के लिए माँ बनाई गई थी, मैं तेरी असली माँ नहीं हूं, कौन है फिर मेरी असली माँ? बोले मैं तो देह वाली माँ हूं, और देह वाली माँ कितने दिन तेरा साथ देगी, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक दिन तो देह वाली माँ छोड़कर चल देगी तुझे, तो देह वाली माँ में मत अटकना। बोले फिर मेरी माँ कौन है? बोले ताए घर में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, मैंने इसी समय के लिए तुझे गर्भ में धारण किया था, इसी अवसर के लिए मैंने तुझे अपना दूध पिलाकर बड़ा किया था। भगवान अगर जानकी जी वन को जाते हैं अवध तुम्हार काज कछु नाई, ये माँ है भारत की जो कहती है घर नहीं, जाओ भगवान की सेवा में, वन में जाकर तपस्या कर। ऐसी भारत की ये माँ हुई है, सुमित्रा माँ जैसी कोई दूसरी हुई नहीं। और धर्म की रक्षा वास्तव में माताओं ने ही किए। हमारे वर्तमान काल में भी जब मुगलों के आक्रमण हुए उस समय माताओं ने अपनी गोद के बच्चे जिंदा दीवालों में चिनवा दिए, गर्दन कटवा दी। अंग्रेजों के समय में इस देश को आजाद करने के लिए तोपों के सामने माताओं ने अपने बच्चों को खड़ा कर दिया, बालक छोटा पड़ गया तोप के मुंह पर आ नहीं रहा था तो माँ ने जाकर ईंट लगा दी, बोले अब ठीक खड़े हो जाओगे, अब मुंह सीधा आ जाएगा आपको। तो जो भी आज कुछ देश में दिखाई दे रहा है ये माताओं के कारण से, इन्होंने अपने हाथ से अपने माथे के सिंदूर को पहुंचा, इन्होंने अपने हाथ से सुहाग उतारा, इन्होंने अपने हाथों से अपनी गोदें खाली किए, अपने घर का दीपक अपनी भूख से बुझाया है, तब धर्म रक्षा हुई। सुमित्रा जी कहती है कि जाओ अवध तुम्हार काज कछु नाई। अब जरा हम विचार करें,
बहुत दिनों से कथाएं सुन रहे हैं, सुनते ही रहते हैं, रामायण का पाठ प्रतिदिन करते हैं। हम जरा सोचें अपने बारे में, लड़का नालायक हो जाए चलेगा, लड़का शराबी हो जाए चलेगा, लड़का ज्वारी हो जाए चलेगा, और लड़का दुराचारी उद्दंड हो जाए चलेगा, लेकिन लड़का सन्यासी हो जाए तो है? लड़का अगर सन्यासी हो जाए तब सारे रिश्तेदार इकट्ठा कर लोगे, इसे समझा या इसे समझा। बेटा कुछ भी करो, घर में रहो, रोज पीकर आओ और बोतल हमारी खोपड़ी में फोड़ दो, रहो घर में। जितनी चाहो उतनी गालियां बकते रहो, रहो घर में। राणा शिवा तो पैदा होने चाहिए पर पड़ोसी के घर में, मेरो लल्लू तो नोटे कमाए के लावे, धर्म बचेगा। और सुमित्रा जी ने कहा, लखन तुझे शायद इस बात की गलतफहमी होगी कि भगवान केकई माँ के आज्ञा से बन को जा रहे। बोले तो, बोले तुम्हारे ही भाग राम बन की बात माँ ने कह दी कि भगवान केवल और केवल तेरे भाग्य से बन को जा रहे हैं, दूसर हेतु तात का चुनाई, इसलिए भगवान की सेवा में स्वप्न में भी तेरे मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके वश हो। राग नहीं चाहिए, रोष भी नहीं चाहिए, ईर्ष्या भी नहीं चाहिए। राग उर्मिला के प्रति, रोष केकई के प्रति, राग रोष ईर्ष्या भरत के प्रति, मद के मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और मोह परिवार के प्रति, छह चीजों से बचे रहना भगवान की सेवा में। राग रोष ईर्ष्या मद मोह स्वप्न में भी तेरे मन में विकार नहीं आना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, माँ मेरे कारण क्यों जा रहे हैं? बोले मैं तुझे पहचानती हूँ, तू कौन है, तू शेषनाग का अवतार है और धरती तेरे शीश पर है, और धरती पर पाप का भार इतना बढ़ चुका है कि तू उसे सहन नहीं कर पा रहा, तो भगवान तेरे सिर के भार को हल्का करने जा रहे हैं, दूसर है तो तात कछु नाही। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ अब सुन ले, अगर ये बात सच है और भगवान मेरे भार को हल्का करने जा रहे हैं, तो माँ जागृत में तो कभी कोई मेरे मन में विकार बातें आएंगी नहीं, लेकिन सपने में तो मनुष्य का बस चलता नहीं है, सपने में तो अनचाही बातें भी आ जाया करती, लेकिन जब तूने स्वप्न की भी शर्त लगा दी तो आज तेरे चरणों में बैठकर तेरे दूध की सौगंध खाकर जा रहा हूं। अब मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा नहीं तो स्वप्न भी नहीं, स्वप्न भी नहीं तो भिखार, 14 वर्ष जागरण का संकल्प ले। माँ ने पीठ थपथपाकर विदा कर दिया, यहीं से विदा किया है, सुमित्रा आगे नहीं आई, चूंकि माँ है ना, ममता जाग सकती है, वही से विदा कर। मानस में नहीं लिखा, हमने संतों के मुख से सुना है कि लक्ष्मण जी उर्मिला जी को भी मिलकर आए थे, उर्मिला जी का जो भवन था वो सुमित्रा जी के बिल्कुल पास था, तो जब निकल कर आए सुमित्रा जी के भवन से और सामने उर्मिला जी का गेट दिखाई देने लगा, तो लक्ष्मण जी सोचने लगे, अगर मैं उर्मिला को बिना बताए चला गया तो 14 वर्ष बाद लौटूंगा तो उर्मिला जीवित नहीं मिलेगी, रो रो कर प्राण छोड़, और अगर मैं बताऊंगा तो रोएगी, जिद करेगी जाने की, साथ जाने की जिद करेगी, तर्क देगी कि जब जानकी जी अपने पति के साथ जा सकती हैं, मैं क्यों नहीं जा सकती, तो बिना बताए जाया नहीं जा सकता, साथ लिया नहीं जा सकता, करूं तो करूं क्या करूं। आज लक्ष्मण जी धर्म संकट में आ गए, और शास्त्र की परिभाषा में लक्ष्मण जी धर्म है, और धर्म भी कभी कभी संकट में आ जाया करता है, इसलिए कहा है ना, धर्मो रक्षत रक्षता, संकट में धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा संकट में धर्म करेगा। दो द्वंद लक्ष्मण जी के अंदर आ गए, 14 वर्ष के बाद लौटूंगा तो जीवित नहीं मिलेंगी,
रो रो कर प्राण छोड़ देंगे। बताकर जाऊंगा तो साथ जाने की जिद करेंगी, रोती को छोड़ा नहीं जा सकता, बिना बताए जाया नहीं जा सकता। कितना भी कठोर दिल पुरुष है दुनिया को ठोकर मार सकता है, लेकिन स्त्री के आंसुओं को ठुकरा नहीं सकता, ये कमजोरी होती है पुरुष की। स्त्री के आंसुओं में वज्र को पिघलाने की ताकत हुआ करती है। बड़े 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 दिग्गज भी स्त्री को रोते हुए को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। इस धर्म संकट में लक्ष्मण जी घबराते घबराते आ गए उर्मिला जी के द्वार पर। उर्मिला जी को जानकारी हो चुकी है, एक सखी के द्वारा, सेविका के द्वारा ये जानकारी हो चुकी है कि भगवान का वनवास हो चुका है और मेरे पतिदेव भगवान की सेवा में जा रहे हैं। ये सूचना सुनते ही उर्मिला जी नाच उठी, इतनी प्रसन्न हुई, मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरे सुहाग को भगवान की सेवा का सौभाग्य मिला है। पिताजी को जरूर चिट्ठी लिखूंगी, पिताजी जीवन धन्य धन्य हो गया कि मेरे पति को प्रभु की सेवा मिली है। और तैयार बैठी है कि आएंगे जरूर, बिना मिले तो नहीं जाएंगे। तिलक लगाकर विदाई दूंगी, आरती उतार कर शुभकामनाएं दूंगी। और आज सब प्रकार के श्रृंगार से सुसज्जित, जो श्रृंगार उर्मिला जी ने विवाह के समय किया था और जो वस्त्राभूषण उस समय धारण किए थे, उनको सजी हुई बैठी प्रतीक्षा कर रही हैं। बिना मिले तो नहीं जाएंगे, जरूर आएंगे, प्रणाम करूंगी, आरतियां उतारूंगी, तिलक लगाकर शुभकामनाएं देकर विदा करूंगी। उर्मिला जी गदगद हो रही हैं, लक्ष्मण जी घबराना उर्मिला जी को चाहिए था, लेकिन आज पुरुष घबरा रहा। जाकर जैसे द्वार खटकाया, देवी द्वार खोलो, और जैसे द्वार खुला उर्मिला जी सामने, तो लक्ष्मण जी की निगाह नीचे हो गई, चूंकि आंखों में तो आंसू भरे हैं, भय लगता है। उर्मिला जी पूछ सकती हैं कि इस समय तो नाचने का समय, राज तिलक का महोत्सव चल रहा है, आप रो क्यों रहे हैं? और मैं जब सारी घटना बताऊंगा तो रोना शुरू करेगी, जिद करेगी, प्राण छोड़ने की बात बोलेगी, मुझे साथ लेकर चलो, तर्क देगी, अब मैं क्या करूं क्या न करूं। उर्मिला जी समझ गई मेरे कारण से मेरे पतिदेव संकोच में आ गए, और पत्नी का यही अर्थ है जीवन में, और कोई अर्थ नहीं। जो पति को संकोच से निकाले उसी को पत्नी कहते, सब प्रकार के संकोचों से मुक्त कर दे उसी को पत्नी कहते। पत्नी उसको नहीं कहते कि मीठी मीठी बातें करते करते फैंसी साड़ी स्टोर पर ले जाए कि चलो ऐसा। तो उर्मिला जी समझ गई, संकोच में आ गए, एकदम दोनों कंधे पकड़ ले, आर्य पुत्र सामने देखो, वीरों की परीक्षा संकट के समय हुआ करती है, संकोच छोड़ी। और आपको शायद संकोच होगा कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है, मुझे पूरी घटना की जानकारी है, मुझे मालूम है कि भगवान का वनवास हो चुका और आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आपको ये भी संकोच है कि शायद मैं साथ जाने की आपसे जिद करूंगी, जिद तो बहुत बड़ी बात होती है, मेरे तो मन में भी इच्छा नहीं होगी कि मुझे आप साथ लेकर चलें, मैं नहीं चाहूंगी कि भगवान की सेवा में मैं विक्षेप बनूं आपके साथ। और सुनिए पतिदेव, आर्य पुत्र, मैं सामान्य बाप की बेटी नहीं हूं, मैंने किसी भोगी के घर का अन्न सेवन नहीं किया, मैं महाराज योगी राज जनक की बेटी हूं, मैंने योगी का गोद में बचपन बिताया है, योगी का अन्न सेवन किया है मैं तो प्रतीक्षा कर। इतना जब उर्मिला जी ने कहा, एकदम उर्मिला जी को अंक में लेकर लक्ष्मण जी रो पड़े, बहुत रो। उर्मिले मन करता है कि तेरे कदमों में सिर रख के रोऊं, आज तूने मुझे गिरने से बचा लिया। अपनी साड़ी के पल्ले से आंसू पहुंचे हैं, वीर पुरुष रोया नहीं करते, संकट तो वीरों पर ही आया करता है, वीर कहते ही उसको जिसके ऊपर संकट आते हैं। लक्ष्मण जी सामान्यतः रोया नहीं करते थे, चूंकि काल है ना, काल स्वयं नहीं रोता, काल दुनिया को रुलाया करता है। लक्ष्मण जी जीवन में 3 बार रोए, आज रोए, दूसरी बार तब रोते हैं जब लंका में जानकी जी को अग्नि परीक्षा देनी होती है, और अग्नि परीक्षा के लिए चिता लक्ष्मण जी को ही बनानी होती है। लक्ष्मण खोव धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। तो दूसरी बार लक्ष्मण जी तब रोए जब जानकी जी की अग्नि परीक्षा के लिए इन्हीं को लकड़ी लाकर, कास्ट लाकर चिता बनानी पड़ी। और तीसरी बार तब रोए हैं जब जानकी जी का दूसरी बार वनवास हुआ और लक्ष्मण जी को छोड़ने वन में माँ को जाना पड़ा। सामान्यतः लक्ष्मण जी रोया नहीं, बहुत रोए। और उर्मिला जी ने सांत्वना दी, आंसू पहुंचे, दौड़कर अंदर गई हैं, सजा हुआ आरती का थाल रखा था, आरती उतारी है,
तिलक लगाया है, कुमकुम से अभिषेक किया है और आरती का थाल रखकर पल्ला पसार कर लक्ष्मण जी के कदमों में जब प्रणाम किया है सिर झुकाकर, तो हृदय उमड़ना चाहता है, आंसू बहना चाहते, लेकिन आंसू को उर्मिला जी ने रोक लिया। उर्मिला जी को लगता है कि एक भी मेरा आंसू इनके कदमों पर गिर जाएगा, इनको मेरी याद आएगी, और जब जब इनको मेरी याद आएगी तब तक इनको सेवा में विक्षेप हो। आंसुओं को तो रोक लिया, लेकिन खड़े होकर उर्मिला जी ने हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी से एक प्रार्थना की, आर्यपुत्र आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी एक आपसे प्रार्थना है। कहो देवी, क्या कह? बोले, आज जिस दीपक से मैंने आपकी विदाई की आरती उतारी है, 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूर्ण होने के बाद जब आप श्री अवध पधारेंगे तो आपके स्वागत की आरती भी मैं इसी दीपक से उतारना चाहूंगी। मैं अपने दीपक को नहीं बुझने दूंगी, मेरा दीपक 14 वर्ष तक जलता रहेगा, कृपया मेरे दीपक को धोखा नहीं देना, इतनी कृपा करना, आप वापस लौट। और 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने दीपक नहीं बुझने दिया, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोई नहीं, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अन्न का सेवन नहीं किया, और 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अपने भवन के द्वार बंद नहीं होने, दिन रात जागी, कितना तप किया इस नारी ने, कल्पना करो। शास्त्रों में तो वर्णन है कि मेघनाथ लक्ष्मण जी के द्वारा मारा गया है, लेकिन लक्ष्मण जी की कोई ताकत नहीं थी जो मेघनाथ को मार सकते थे। दिखाई तो ये दे रहा है कि लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ मारा गया है, लेकिन सत्य ये है कि मेघनाथ मारा गया है उर्मिला जी की तपस्या के तेज से, इनका तेज बैठ गया लक्ष्मण जी के बाण में और मेघनाथ मारा गया। इतनी तपस्वी परिवार ही ऐसा, ये रामराज भगवान श्री राम के कारण नहीं मिला जगत को। राम राज्य के भवन की नींव में जनक परिवार की बेटियां बैठी हैं, नींव बनकर इनके ऊपर राम राज्य का भवन चुना गया है। कितना त्याग इन बेटियों ने किया है, इनके ऊपर राम राज्य निर्माण हुआ है। ये जानकारी कब हुई कि उर्मिला जी ने दीपक नहीं बुझने दिया? आपने सुना होगा, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी लेकर जब लौट रहे थे और भरत जी ने बाण मारकर जब नंदी गांव के पास गिरा लिया, तो उनको मिलने के लिए कौशल्या जी, सुमित्रा जी सब लोग, उर्मिला जी भी गई थी नंदी गांव। तो कौशल्या जी ने तो हनुमान जी को कह दिया कि हनुमान राघव को जाकर कहना, मेरा संदेश बोल देना कि मेरा लखन अगर जीवित नहीं हुआ तो राम को अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं, राम की शोभा तो लखन से है। तो सुमित्रा बोल पड़ी, नहीं नहीं भैया, माँ की बात नहीं सुनना, मेरा शत्रुघ्न तैयार है, लखन की चिंता छोड़ दे, शत्रुघ्न साथ जाए। हनुमान जी चूंकि चोट लगी थी तो लेटे हुए थे और सोच रहे थे कैसा परिवार है, एक बेटा मृत्यु पर है, एक बेटे को मरने भेजती। तो हनुमान जी ने लेटे लेटे उर्मिला जी की ओर देखा तो उर्मिला जी बातें सुन रही थी, मुस्करा भी रही थी, और जो सुशील बहू होती है वो बड़ों की बात में रोक टोक नहीं करती, आज तो खैर भगवान ही मालिक है तो आज तो बोलने ही नहीं देती, सुने तो तब। तो हनुमान जी ने उर्मिला जी को कहा कि आप कुछ बोल नहीं रही है, आपके पति के प्राण संकट में है। बोले, मेरे पति के प्राण कभी संकट में हो नहीं सकते, इसलिए बोलूं क्यों, बोलने की आवश्यकता नहीं। अरे बोले, मैं इस बात का साक्षी हूं कि आपके पतिदेव के प्राण संकट में है। बोले, तुम कैसे साक्षी हो तो तुम जानो, लेकिन मैं भी अपने पतिदेव के प्राणों की साक्षी हूं, मेरे पास भी साक्ष्य है कि मेरे पति के प्राण संकट में हो ही नहीं सकते। बोले, आपके पास क्या साक्ष्य है? उर्मिला जी ने कहा कि अगर मेरे पतिदेव के प्राण संकट में होते, मेरा दीपक बुझ गया होता, मेरा दीपक अभी तक जल रहा है, इस कारण से मेरे पति के प्राण संकट में हो ही नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा, माँ ये बातें भावुकता की, आपको मालूम नहीं है सूर्योदय की अवधि है, और सूर्योदय हो गया तो संजीवनी व्यर्थ हो जाएगी, और लंका यहाँ से इतनी दूर है और मैं घायल, अगर संजीवनी नहीं पहुंची तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं रहेंगे, आप कैसी बात कर रहे हैं? उर्मिला जी ने कहा, हनुमान तुम मेरे पति के प्राणों की चिंता मत करो और तुम सूर्योदय की चिंता मत करो। बोले, क्या मतलब? पूर्व दिशा में लालिमा आ चुकी है। बोले, कितनी भी लालिमा आ जाए सूर्योदय नहीं होगा, मैं कहती हूँ मैं सूर्योदय होने ही नहीं दूंगी। बोले, आप सृष्टि का नियम कैसे बदल सकती है? सृष्टि का नियम है सूर्योदय का, आप कैसे नियम बदलेंगी?
उर्मिला जी ने कहा मैं सृष्टि का नियम नहीं बदलूंगी, सृष्टि को अपना नियम बदलना पड़ेगा, सृष्टि को स्वयं अपना नियम बदलना पड़ेगा। कारण बोले मैं सूर्य वंश की बहू हूं, सूर्य हमारे कुल के पुरखे हैं, और कोई पुरखा ये नहीं चाहेगा कि जब मैं सोकर आंख खोलूं प्रातःकाल तो विधवा बहू मेरे सामने आकर खड़ी हो। सूर्य स्वयं ही उदित नहीं होगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, और तुझे जो दो चार दिन विश्राम करना है तो कर ले। फिर हनुमान जी ने कहा माँ ये बातें मंच पर प्रवचन में अच्छी लगती हैं, वस्तु से अलग है उनके प्राण संकट में। और मिला जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं तो नहीं गई लंका, तुम तो लंका से आए हो ना, हाँ अब ये बताओ कि मेरे पति हैं कहाँ। बोले भगवान की गोद में है। उर्मिला जी ने कहा कोई भोग की गोद में होता तो मैं मान भी सकती थी कि प्राण संकट में हो सकते हैं, जो भगवान की गोद में आ गया उसको तो संकट आ ही नहीं सकता। सपने उ संकट परे कि सोई, प्रकुट विलास सृष्ट लय होई, सपने उ संकट परे कि सोई। और सुनो हनुमान, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो मेरे पतिदेव को बाण मारकर घायल कर दे, ये तो सारी लीला भगवान श्री राम की है। सब चौकन्ने हो गए, भगवान की लीला, भगवान ने क्या लीला की। तब उर्मिला जी ने ये रहस्य उद्घाटन किया। अयोध्या में भी किसी को मालूम नहीं, केवल उर्मिला जी को जानकारी थी। उर्मिला जी ने कहा कि मेरे पतिदेव माँ के चरणों में 14 वर्ष जागरण का संकल्प लेकर गए, वो सोते नहीं एक क्षण भी, और जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो दिन भर मेरे पति युद्ध में जूझते हैं और शाम को थक कर चूर चूर होकर लौटते हैं, तो माँ का संकल्प याद करके रात भर भगवान की सेवा में पहरा देते हैं। भगवान को तरस आ गया कि मेरा छोटा सा भैया दिन भर युद्ध करता है, रात को जाग कर मेरी रक्षा करता है, ये ऐसे वैसे तो आराम करेगा नहीं, चलो मेघनाथ के बाण के बहाने से थोड़ी देर अपनी गोदी में इसको विश्राम दिला देते हैं। यहीं से ये तो भगवान की सारी, इसलिए हमारे गोस्वामी ने दो चौपाई बड़ी सुंदर लिखी है, जिनको विश्राम चाहिए वो आओ भगवान के चरणों में। जो आनंद सिंधु सुख राशी, जो आनंद सिंधु सुख राशी, सीकार तैत्र लोक सुपासी, विश्राम चाहिए आइए भगवान के चरण। जो आनंद
विमला जी की शुभकामनाएं लेकर पुनः आ गए। महाराज तो मूर्छित पड़े हैं, मानसिक रूप से तीनों ने प्रणाम किया और जैसे ही श्री अवध के राजमार्ग पर तीनों महापुरुष आए हैं, पूरी अयोध्या चीख पड़ी, अरे बैरन ठीली देने काठानी मन में राम सिया भेजी देरी बन में राम सिया भेजी देरी बन में ओ भेदई तेरे चले जहां राम। भगवान अनेक प्रकार से समझाते हैं, कोई नागरिक मानने को तैयार। रात्रि को तमसा के किनारे विश्राम हुआ, भगवान ने सुमंत्र जी को कहा, चाचा जी अब इतने बूढ़े लोग हैं, इसमें रुग्ण हैं, बच्चे हैं, स्त्री हैं, अब इतनी भीड़ को कहां वन में लेकर जाएंगे, ऐसा करो रात में ही निकल लेते हैं, सब लोग सो चुके हैं, खोज मार रथ हाँकउ ताता, रोते राते अपने लौट जाएंगे तो घर में कम से कम चैन से तो रह लेंगे, नहीं वन में कहाँ 14 वर्ष मारे मारे घूमेंगे। भगवान सबको सोता छोड़कर निकल गए। प्रातःकाल जब लोग जागे और रथ नहीं देखा, सब लोग इधर से उधर दहाड़ मार मार कर रोने लगे, राम चले गए, राम चले गए। जो नौजवान थे उन्होंने घोषणा कर दी, हम बिना राम के वापस नहीं लौटेंगे, हम तो तमसा में डूब कर मरते। अब दूसरा संकट और आ गया परिवार के लोगों को कि ये बच्चे थे, अब ये डूबने को तैयार। तो बुजुर्गों ने समझाया, देखो भैया अगर भगवान को साथ ले जाना होता तो ऐसे चुपचाप क्यों निकल कर जाते। इसका अर्थ है भगवान हमको साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे, और जब भगवान की इच्छा ही नहीं है तो हम उसका विरोध क्यों करें। भक्त का तो अर्थ है भगवान की जैसी इच्छा, जाई विदे राखे राम, ताई विदे, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे। तो भैया कोई बात नहीं, अभी हमारे पुण्य इतने नहीं हैं कि प्रभु का सानिध्य हमको मिले, चलो वापस लौटते। रोते रोते सब नागरिक अयोध्या आ गए और 14 वर्ष तक अवध के नागरिकों ने कितना कठोर तपस्वी जीवन जिया है। इस 14 वर्ष की काल अवधि में महाराज दशरथ जी को छोड़कर, चूंकि उनको तो श्राप था, लेकिन इस 14 वर्ष की काल अवधि में किसी की मृत्यु नहीं हुई। अवध के अंदर दशरथ जी को छोड़कर सबने निर्णय कर लिया, प्राणों को रोक लिया संकल्प से, जब तक राम दर्शन नहीं कर लेंगे प्राण नहीं छोड़ेंगे। और 14 वर्ष की इस काल अवधि में नागरिकों ने इतना कठोर संयम किया कि इस 14 वर्ष में अयोध्या में कोई किसी नए बच्चे का ही जन्म नहीं हुआ। ये भी कब पता लगा, अयोध्या में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ 14 वर्ष में, पता कब लगा। जब भगवान 14 वर्ष के बाद लौटे अयोध्या तो सारी अयोध्या भगवान के स्वागत में सरयू के किनारे उमड़ कर आई। भगवान ने देखा कि इसमें जवान हैं,
प्रौढ़ है, वयोवृद्ध है, बालक एक भी नहीं है इनमें, बालक एक भी नहीं। तो जब भवन में भगवान आ गए तो माँ से कहा, माँ मेरे स्वागत में कोई बालक नहीं आया, न किसी की गोद में कोई बालक था, क्या बच्चों ने मुझसे विद्रोह कर दिया क्या? तब कौशल्या जी रो गई और कहा, राघव तुझे मालूम नहीं, ये अवध के भोले के नागरिक तेरी याद में इतना रोते रहे कि इनको वासनाएं याद ही नहीं रही, इनको भोग भोगनाएं स्त्रियों को पुरुष याद नहीं रहे, पुरुषों को स्त्रियां याद नहीं रही, तेरे विरह में रोते रहे, तो इस 14 वर्ष में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, और जो तुम जिन बच्चों को छोड़ कर गए थे 14 वर्ष में वो जवान हो गए, सबके सब बच्चा कोई था ही। इतना कठोर संयमित जीवन रात्रि को भगवान ने संगपेरपुर में विश्राम किया। और अगले दिन प्रातःकाल यहाँ गुहु ने थोड़ा कहा था कि प्रभु जब आप आ ही गए हैं तो मेरे नगर में पधारिए, मेरे नगर को पवित्र करिए। ये जब बात बोली तो लक्ष्मण जी थोड़ा व्यंग में हंस गए, बोले देखो दिमाग बिगड़ गया, भगवान ने जरा सी लिफ्ट क्या मारी, गांव के माजरे को ही नगर कहने लगा, माजरा छोटा सा माजरा होता ना गांव का बच्चा। तो गुहु ने लक्ष्मण जी को हंसते देखा, बोले लगता है आप मेरी बात पर हंस रहे। बोले हाँ हंसना स्वाभाविक है, तेरा तो गांव भी नहीं है भले आदमी, और तू इसे नगर कह रहा। गुहु ने कहा, लक्ष्मण जी नाराज मत होइए, अब मेरा गांव गांव नहीं है, मेरा गांव नगर हो चुका है, और अयोध्या अब नगर नहीं है, अयोध्या गांव बन चुका है। बोले तेरे गांव को किसी ने महानगर पालिका का दर्जा दे दिया? बोले सुमित्रा माँ ने, याद करो कल माँ ने क्या कहा था, अवध तहां जहां राम निवास, अवध तहां दी। अवध कहां? बोले जहां राम है, अब मेरा गांव गांव नहीं रहा। लक्ष्मण जी मौन हो गए। भगवान ने कहा, भैया चलते, लेकिन पिताजी की आज्ञा है, शर्त है, 14 वर्ष तक गांव नगर पुर इनमें मैं जाऊंगा नहीं। गांव के बाहर एक सिंसुपा वृक्ष के नीचे कुटिया बनाई, यहां निवास किया। अगले दिन प्रातःकाल भगवान ने सुमंत्र जी को कहा, सुमंत्र जी अब आप जाइए, आप अपने राज्य में लौटिए, मुझे मेरे राज्य में जाने दीजिए। सुमंत्र जाना नहीं चाहते, भगवान ने दोनों हाथ पकड़कर बिठा दिया। बर बस राम सुमंत्र पठाए, बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब लौटना नहीं चाहते, लौटा दिया, जबरदस्ती बिठाया, वापस जाए। और अब भगवान गंगा जी के किनारे आ गए। केवट की सबसे रसीली लीला यहां से गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं। नाव में केवट बैठा है, भगवान बिल्कुल केवट के पास जाकर खड़े हो गए, और जगत का दाता, भवसागर पार कराने वाला, गंगा पार होने के लिए केवट से नाव की मांग करते, भैया हमको अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करा दो, इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा। भवसागर का किनारा देने वाला स्वयं किनारा मांग रहा है। भगवान चाहते तो योग मार्ग से भी जा सकते थे, जब 3 डग में सारे ब्रह्मांड को नाप सकते हैं तो गंगा जी तो थोड़ी ही थी, लेकिन भगवान बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादावादी हैं। भगवान जानते कभी किसी की मर्यादा भंग नहीं करनी चाहिए। जिसने कुछ मर्यादा रेख बनाई है अपनी, अगर आप उसके पालन में सहयोग नहीं कर सकते
तो कृपया हंसी मजाक करके किसी की मर्यादा भंग भी मत करिए। घाट की भी अपनी मर्यादा होती है, घाट का मालिक ये नाविक होता है, इसलिए भगवान सबकी मर्यादा का। जैसे भगवान बाग में गए थे तो माली ने कहा, नहीं सरकार आप बैठिए, बाग का मालिक मैं हूँ, जनक जी तो लगा चुके हैं, उनकी तो संपत्ति है। तो बाग का जो मालिक होता है वो नहीं होता जिसने बाग लगाया है, बाग का मालिक माली होता है। अगर बाग का मालिक भी जाकर कोई फूल तोड़ता तो माली टोक दे, नहीं बाबू साहब, नहीं सेठ जी आप मत तोड़िए, आपको नहीं मालूम, मैं लाता हूँ आपके लिए, आप आराम से बैठे। सबकी अपनी अपनी मर्यादाएँ होती हैं। और गंगा जी बेटी हैं भगवान की, श्री चरणों से प्रकटी हैं, और बेटी की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बाप को बेटी की मर्यादा का पालन करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, बेटी की मर्यादा कभी नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हमारे भारतीय शास्त्र में तो बेटी को डांटना भी अपराध है, बेटी को डांट बेटे को पीटना पुण्य है और बेटी को डांटना अपराध है। बेटा पिटेगा तो ठीक रहेगा, और बेटी को अगर डांटोगे तो बेटी बहुत रोती है, बाप की डांट जब पड़ती है बेटी बहुत रोती है। ये पाप कभी मत करना, कितना भी बड़ा अपराध कर दे लेकिन बेटी को डांटो मत, उसको रुलाओ मत, बहुत बड़ा पाप। बेटी के जो आंसू होते हैं वो बहुत आनंददायी भी होते हैं और बहुत पीड़ादायी भी हुआ करते हैं। भगवान केवट के पास आ गए। मैं थोड़ा विषय से हटकर आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, केवट ने ना भजन किया, ना जप किया, ना तप किया, ना अनुष्ठान किया, और भगवान इसके पास आकर खड़े हो गए। बिना बुलाए भगवान दो जगह गए हैं, आज केवट के यहाँ, कल को शबरी जी के यहाँ जाएंगे। शबरी ने भी बुलाया नहीं है। ऋषि मुनि खड़े हैं हार ले लेकर, मालाएं ले लेकर। भगवान पूछते हैं, हमको शबरी का रास्ता बताओ, शबरी के आश्रम का रास्ता, शबरी के आश्रम पग धारा। बिना बुलाए दोनों जगह आए। आज केवट की चर्चा करते हैं, कल शबरी की चर्चा करें। क्यों आ गए भगवान? मैंने शायद राम जन्मोत्सव में, हालांकि वो हल्ला गुल्ला का प्रसंग चल रहा था, मैंने बोला था कि भगवान को कभी स्वयं खोजने मत जाइए, भगवान कभी खोजे नहीं जाते। कहाँ खोजने जाओगे? उनकी हुलिया क्या है, पता ठिकाना क्या है, पहचान क्या है, कुछ नहीं कर पा। आज तक किसी भक्त ने भगवान को नहीं खोजा, हनुमान जी जैसे भक्त ने भी भगवान को नहीं खोजा। आप तो खोजते खोजते भगवान ही हनुमान जी के पास आए हैं। ऋष मूक पर्वत नियर आया, हनुमान जी खोजने गए हैं भजन को, भक्ति को। भजन खोजो जीवन में, भक्ति खोजो, संत को खोजो, भगवंत को मत खोजो, भगवान स्वयं आएंगे। जैसे चोर कहीं भी छुप जाए, जैसे चोर को खोजने के लिए पुलिस आती है और पकड़ कर ले जाती है, ऐसे ही भक्त किसी भी कुटिया झोंपड़ी में गुफा में छुपा हुआ बैठा होगा, भगवान वही पहुंच जाता है, प्रकट हो जाता है। बोल भैया क्या चाहिए, आ गया, बोले क्या चाहते हो। तो भगवान खोजे नहीं जाते, फिर भगवान पुकारे जाते, भगवान पुकारे जाते भरे हुए हृदय से, दर्दीली आवाज से, रुधे हुए कंठ से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, बिल्कुल दर्द भरी, टीस भरी, कराहट भरी, भगवान तिल मिला जाए। पुकारना क्यों पड़ता है? चूंकि भगवान सुवक्कड़ भौत है, शांताकारम भुजग शयनम। आप कल्पना करो, जो नाग पर इतना खर्राटे में सो सकता है वो डल्लभ के गद्दे पर कितना बढ़िया सोता हो। सोने वाले को बोलकर ही जगाया जाता है, बुलाया जाता है। माताएं बहुत आसानी से मेरी बात समझ सकती हैं। 3-4 महीने का बालक माँ की बगल में सो रहा है पलंग पर, पीछे से रेलवे लाइन जा रही है, गड़गड़ 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 रेल कर रही है, माँ खर्राटे लेकर सो रही है, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, माँ खर्राटे लेकर सो रही है, कॉलोनी का चौकीदार घट घट करके लठिया खटकाता जा रहा है गली में, माँ खर्राटे लेकर सो रही है, पड़ोस में बारात आई है बाजे बज रहे हैं, माँ खर्राटे लेकर सो रही है, सामने वाले चौराहे पर देवी जागरण के नाम पर उपद्रव हो रहा है, माँ खर्राटे लेकर सो रही है, आकाश में बादल गर्जना कर रहे हैं, माँ खर्राटे लेकर सो रही है, बिजली कड़क रही है, माँ खर्राटे लेकर सो रही है, न बिजली की कड़क जगा पाई,
न बादलों की गर्जना, न देवी जागरण के गीत, न कुत्तों की भौंभौं, न रेल की खड़खड़ाहट। कोई माँ की नींद नहीं खुलवा पाया, लेकिन जो बगल में बच्चा सो रहा था, जैसे ही बच्चा ने कुन कुन आता है, मैया तुरंत पीठ थपथपा के छाती से लगा दे, चो 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 चो। जरा सा बालक कुन कुन आया, माँ एकदम छाती से लगा लेती, जाग जाती है। इस सृष्टि में कोई घटना भगवान को नहीं जगा पाती, लेकिन भक्त अपनी कुटिया में बैठकर जैसे ही पुकारता है भगवान को, भाग कर आना पड़ता, रुक ही नहीं सकता। नाना भांति न चायो भक्तन ने मोरी, नाना भांति न चायो भक्तन ने मोरी, नाना पुकारा गज ने पुकारो, मैंने करुण विसारो, हाँ जी गज ने भगवान पुकार से आता है, करुण विसारो और ग्राहक पछारो, सुने प्रेम की पुकार, आचार्य हुए जिनको भगवत साक्षात्कार हुआ है, किसी ने होठों से नहीं पुकारा, सबने आंसुओं से पुकारा है। ब्रज पुकारता है निस्दिन बरसत नहीं हमार, मीरा पुकारती है बिरह कथा कासों कहूं सजनी भई छमासी रे, चैतन्य पुकारते हैं आंसुओं की धारा बह पड़ती, जिसने पुकारा है रोकर ही पुकारे। बालक जब रोकर मां मां करके पुकारता है, माँ हजार काम छोड़कर दौड़ती है, इसलिए भगवान को पुकारो। हमारे सूरदास जी की घटना, गिरराज तलहटी में कुटिया बनाकर बैठे हैं सूरदास जी, अंधे महात्मा, बूढ़ा सा शरीर, पूरी गिरराज तलहटी सो रही है, रात्रि के एक बजे का समय, साय 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 सब, पूरा गिरराज तलहटी सो रही है, सब लोग सो रहे हैं, झीगरों ने बोलना बंद कर दिया, बिल्कुल सन्नाटा। और अंधेरी रात के इस सन्नाटे में एक अंधा बूढ़ा साधु अपने हाथ में एक तारा लिए और कुटिया में पुकारता है, आलो के आजा मेरे की, तुझे मेरे की बुरा दे, शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सर
अनुष्ठानों से नहीं आता, रोने से आता, सो से आता है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो केवट रोया भी नहीं, केवट ने पुकारा भी नहीं, भगवान फिर आगे, भगवान आगे केवट के पास, तो क्यों? तो दूसरा लक्षण है भगवत प्राप्ति का, या तो दर्दीली आवाजों से पुकारो, भगवान को सोने मत दो। दूसरा तरीका है भगवान को प्राप्त करने का कि इतने सरल, इतने सहज, इतने भोले भाले बन जाइए। केवट ने कोई पुकार नहीं की, कोई चिट्ठी नहीं डाली, रात में जाकर कुटिया पर कहकर नहीं आया कि महाराज सवेरे मेरी नाव से ही पार करना। केवट बिल्कुल भोला भाला, एकदम कोई एटिकेट जानता ही नहीं है, भगवान खड़े हैं, बैठा बैठा बातें कर रहा है, कुछ भी इसको मालूम, तनिक भी इसको अकल होती, गमछे से नाव झाड़ता, आओ बाबू साहब, आओ बाबू साहब, बैठो बैठो बैठो, आखिर राजा हैं कुछ को तो सहज सने निर्मल मन चाहिए, मोही कपट छल छिद्र न भावा। जैसे बाप बच्चों को, बेटे को कह देता है ना, तू जो कर रहा है कर, अब हमारी तो तू मानेगा नहीं, लेकिन हमको तेरी बातें भाती नहीं, हमारे सामने मत आया कर, जो कर रहा है तू कर, मानेगा तो तू है नहीं, लेकिन हमको भाता नहीं। भगवान कहते मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप सब गृहस्थी बैठे, आपको अनुभव है, जब तक बालक छोटा भोला भाला सीधा सरल रहता है, तब तक वो माता पिता की गोद में और कंधे पर रहता है, और जैसे ही बालक बड़ा होता जाता है, चतुर चालाक बनते जाता है, माता पिता से दूर होने लगता है, और जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ज़्यादा चालाक और बिगड़ जाता है, बाप घर में बेटा बाहर, बाप ऊपर बेटा नीचे, बाप नीचे बेटा ऊपर, बाप जागा हुआ है तो बेटा सोने का नाटक कर रहा है, वो बाप के सामने आएगा ही नहीं। आपने कभी अनुभव किया है कि सब जगह आपका बैठने का मन करता है, लेकिन पूजा घर से भागने का मन करता है आपका? आप कितने बड़े बड़े पूजा पाठी होंगे, लेकिन पूजा घर में मजबूरी में बैठना पड़ता है, चूंकि चाय पीनी है, पूजा के बाद ही मिलेगी, पत्रिका की पूजा तो कर रहे हो, सवेरे चाय चाय चाय, आप सब जगह बैठो, और मुझे उत्तर नहीं चाहिए। आप अपने मन से पूछो कि जितनी देर हम टीवी के सामने बैठते हैं, क्या उतनी देर हम अपने पूजा घर में बैठते हैं? या जितनी देर हमारे हाथ में अखबार रहता है, क्या उतनी देर हमारे हाथ में गीता रामायण या पाठ की पुस्तक रहती है? अनुभव कहता है टीवी से उठने का मन नहीं करता और पूजा घर में बैठने का मन नहीं करता, ऐसा लगता कोई अज्ञात शक्ति धक्का मार रही है, निकल यहां से। जैसे बाप कहता है मेरी आंखों के सामने मत आया, ये भी बाप ही तो है। माँ तू पिता तुम मेरी शरण रहूं मैं किसकी, स्वामी शरण रहूं मैं किसकी।
तुम दिन और न दूजा, तुम दिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसे की होंगे जगदीश हरे। भगवान को चतुराई पसंद, बिल्कुल भोले भाले सहज, बिल्कुल जिनको कुछ भी बनावट आती ही नहीं है। हमारी कर्माबाई खिचड़ी बनाती है, सवेरे सवेरे गोपाल जी आ जाते हैं, अम्मा बड़ी भूख लग रही है, मेरी मैया तो दोपहर कर ले, मुँह पर रहो ना जाए बड़ी, अरे बेटा अभी तो मैं नहाई धोई ना हूँ, चौका वोका नहाए लगाए, बोले कछु कर तो इतनी जल्दी कैसे बनाओ, अभी तो मुँह को आटो पिसवाए भी जाना, बोले तेरे यहाँ दाल चावल तो रखो, यहाँ बोले खिचड़ी बना दे, मुझे खिचड़ी बना दे। अब सवेरे सवेरे क्या करती है वो, तो मन पहले ब्रश व्रुश तो थे नहीं, नीम की बबूल की दतुन करते थे, तो दातुन करती जाती है और खिचड़ी बनाती जाती है, और खिचड़ी को जब चलाना होता है तो जो झूठी दातुन है उसको ऐसे पकड़ लेती है और उसके पीछे की डंडी से ऐसी चला देती है, खिचड़ी खा रहे। हमारे 56 भोग भी खाने नहीं आते, कर्मा की खिचड़ी भी खाने चले जाते, कर्मा की खिचड़ी बिल्कुल। लेकिन ये आप मत कर बैठिए, आम जब आपका 56 वो खा लेंगे जिस दिन, उस दिन फिर खिचड़ी अपने आप मांग लेंगे कि अब हमको ज़्यादा खिचड़ी खिला दो, अभी तो आपके 56 भोग ही स्वीकार नहीं हो। बिल्कुल भोला भाला सरल, बिल्कुल मैंने शायद पहले भी कई बार सुनाया है भोले का। हमारे ब्रज की गोपियों को एक बार वंशी से ईर्ष्या हो गई, बोले सौत कहीं की फटे बांस की, खोखली पोली सूखी निर्या में छेद। माताओं में ईर्ष्या का एक बड़ा गुण है भगवान के यहाँ से मिला हुआ, मैं इसे दुर्गुण नहीं मानता हूँ, ये गुण है। जब देखो तब कृष्ण के हाथ में, जब देखो तब कृष्ण के होठों पर। तो राधा जी ने कहा कि ईर्ष्या क्यों करती हो, वंशी से जाकर पूछ लो कि तेरे अंदर ऐसा क्या गुण है जिसके कारण तू कृष्ण के हमेशा हाथ में और होठ में रहती है, वो गुण अपने अंदर तुम प्रकट कर लो, तुम भी उनके हाथ में चली जाओ। तो कुछ गोपियाँ मिलकर एक दिन वंशी के पास आ गई और वंशी से कहा, क्यों नहीं, वैसे तो तेरे अंदर कुछ नहीं है, सूखी खोखली नीरस पोली निरे तेरे अंदर छेद, और फिर भी कृष्ण तुझे हाथ में लिए रहते, इस तेरे अंदर क्या गुण है। तो वंशी ने कहा कि मेरे अंदर एक ही गुण है। क्या? बोले मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, यही मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण, मेरे अंदर कोई गुण। तुम तो गुण के गूदे से भरी हुई हो, परिवार का गूदा, खानदान का गूदा, पढ़ाई लिखाई का गूदा, रूप रंग का गूदा, यानी कितने प्रकार के गूदों से तुम भरी हो। और सुनो, ये जो तुम उल्हाना देने आई हो कि कृष्ण के हाथ में कैसे रहती हो, तुमको मालूम है कृष्ण के हाथ में जाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े? बोले कितने पापड़ बेले? बोले मैंने पहले तन कटवायो, जहाँ मैं रहती थी परिवार में मुझे वहाँ से काट डाला गया, तन कटवायो। बोले फिर मैंने मन कटवायो, काटने वाले को मैंने ये भी नहीं पूछा, भैया काट कर ले तो जा रहे हो, कहाँ ले जाओगे, क्या करोगे, मेरा मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे, सीढ़ी में लगाओगे, बल्ली बनाओगे, लाठी बनाओगे, चारपाई में लगाओगे कि अर्थी में जलाओगे, क्या करोगे मेरा। मैंने उनसे अपने मन की बात कोई पूछी नहीं, मैंने तो कह दिया, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलो जैसी तेरी इच्छा है
चलूंगा। सर्वांग समर्पण, हम कहते तो हैं, मुड़िया हिला हिला कर गाते तो हैं, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, क्या है वो महलों में राखे चाहे है? गाना जरा एक बार। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास्ते, जीवन की डोर सो नाथ दीना नाथ के, जीवन की डोर सो नाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते, विधि का विधान किसने सुना है? जाई विद राखे राम ताई विद रही है, और ये सबने सुना है, बड़े भाग्यशाली हो। अच्छा सच सच बताओ, हम गा रहे हैं कि महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, मान लीजिए भगवान आपकी कोठी बिकवा के और खड़खड़ी सूखी नदी में झोंपड़ी में रहने के लिए मजबूर कर दे, तो आप क्या करोगे बताओ? पहले भगवान को उठाओगे, गंगा जी में फेंकोगे, निकल यहां से, निकल। यही होता, कुछ भी घर में हो जाए पहले भगवान को फटकार पड़ती है, और क्या करेगा, इतना भजन करते इतना ये करते, और क्या जान लेगा क्या ये मेरे यहां कैसे हो गया, ऐसा है। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, गाना बहुत सरल है, पालन करना बहुत कठिन। तो वंशी कहती है, मैंने तन कटवायो, मैंने मन कटवायो, मैंने अपने मन की कोई शर्त नहीं रखी, कहां ले जा रहे हो? और फिर बोले, मैंने ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो, जो वंशी में छेद किए जाते हैं वो गर्म सलाख से, उसमें ऐसे लाल करके सलाख को लोहे की को उसमें छेद किया जाता है। हम तो ग्रंथियों से भरे हुए, पहले छीली जाती है गांठे, फिर उसमें छेद किया जाता है, सलाख लगाई जाती है। मैंने तन कटवायो, मन कटवायो, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो, बोले फिर तो जैसो चाहत है श्याम, मैंने तैसो ही स्वर सुनायो, यही कारण निज अधरन पर मोहि धरत मुरारी रे। तुम कृष्ण को अपना स्वर सुनाती हो, मैं दुनिया को कृष्ण का स्वर सुनाती हूँ, कृष्ण जैसा चाहे वैसा बोलती हूँ, जो चाहे सो, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। हमारे वृंदावन के साधु कहते हैं, भैया कृष्ण के हाथ में अगर रहना चाहते हो तो वंशी बन जाओ। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 हम तो चाहे जैसे न चाहे।
खींचना स्थाई है, जिसके भी हाथ नीचे रह गए वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। तो या तो पुकारिए या तो एकदम भोले भाले हो जाए, केवट बिल्कुल भोला भाला। और वो लीला आपने सुनी, उस कथा के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, मैं पैर धोऊंगा, मैं नहीं चढ़ने दूंगा आपके चरणों में, ऐसा है वैसा है। देखो भक्त और भगवान का बड़ा मीठा झगड़ा होता है। भक्त कहता है भगवान आप सुन लेते हो इसलिए आपके द्वार पर रोने चले आते, जिस दिन ये पता लग जाएगा ठाकुर जी कठोर हो गए नहीं आएंगे, अरे तुम आंसू पोंछ लेते हो इसलिए रो भी लेते, नहीं तो हम नहीं। जैसे छोटा बच्चा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान दीजिए, एक 3-4 साल का छोटा सा बालक सड़क पर दौड़ कर जा रहा है, भागे चला जा रहा है, ठोकर लगी धड़ाम से गिरता है बच्चा सड़क पर, कितनी भी चोट लग जाए बच्चा कभी रोता नहीं है, पहले चारों ओर घूमकर देखता है खड़े होकर कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, अगर कोई देख रहा होता है तो रोना शुरू कर देता है, और कोई देखने वाला नहीं होता तो धूल झाड़ कर फिर भागना शुरू कर देता है। बालक छोटा बच्चा इस बात को जानता है कि जब कोई गोद में लेने वाला आंसू पहुंचने वाला है ही नहीं तो रोने से फायदा क्या है। बच्चा ये भक्त भी ये जानता है, भगवान तुम आंसू पहुंच लेते। इसलिए बहनों से मैं कई बार इस प्रसंग में निवेदन कर देता हूँ कि रूठना भी तभी चाहिए जब मनाने वाले का मूड मनाने का हो, नहीं तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। और 6 महीने में एक बार से ज़्यादा नहीं रूठना चाहिए, नहीं तो फिर बैठे रहना पड़ेगा, बहुत कठिनाई हो। केवट ने कह दिया एही घाट ते थोरिक दूरी अहे कठिनो जल धाम खाइए तू पर से पद दूरी तरे धरनी धरनी घर का समझाई जू धरनी घर का समझाई जू धरनी घर का समझाई तुलसी अवलंबन और कछु डर का भी भांति जियाइए तू से चले जाए। एक घाट से थोड़ी दूर है, मैं नाव को स्पर्श ही तब करने दूंगा जब चरण। भगवान ने कहा अच्छा बहुत देर हो गई भैया, अब तू सोई कर जी तब नाव न जाए, यार तो वही कर जिसे तेरी नाव न जाए। केवट ने कहा सोई वही कुछ नहीं जानता हूं, सीधी कहो कि चरण धो। तब भगवान ने कहा बेग आन जल शब्द देखिए, भैया बहुत विलंब हो रहा है जल्दी पार कर। देखो भक्त को ही भगवान से मिलने की शीघ्र जाने ही नहीं देती है, बच्चों को बड़ी बेचारी तरसती रहती है कि बच्चों को बिगाड़ देंगे, तो भगवान की ज्यादा इच्छा होती है कि भक्त जरा सा इशारा करे और मैं आऊं। तो केवट जाने लगा गांव की ओर, लक्ष्मण जी का महाराज इसको पूछो, सवेरे से खड़े कर रखा है इसने, गंगा इधर है और ये इधर जा रहा है, इसे पूछा इधर कहाँ जा रहा है। तो भगवान ने केवट को बुलाया, केवट इधर कहाँ जा रहे हो भैया, गंगा जी तो इधर है। केवट ने कहा महाराज क्षमा करिए, बिना पढ़ा लिखा तो हूँ लेकिन कई बार सत्संगों में चला जाता हूँ, तो सत्संग में मैंने ऐसा सुना है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो अकेले नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी जरूर साथ में चाहिए। जरा मुन्नू की मम्मी लिया। लक्ष्मण जी का हो गया महाराज काम, अब खड़े रहो यहाँ कब तक, मुन्नू की मम्मी घर में होगी कि किटी पार्टी में गई होगी, वो कोई घर में थोड़ी होगी, वो तो किसी न किसी किटी पार्टी में गई होगी, और वो मिल भी गई तो पहले 2 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगाएगी, भौं ठीक कराओ कि ये कराओ कि ये कराओ कि ये कराओ। भगवान ने कहा कि लखन अब तो भैया इसकी बातों में फंस गए, अब तो इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पत्नी को लेकर पानी कठौता भर ले आवा, कठौते में पानी भर लाया, जानता है कि कठौता भगवान के चरणामृत को पी लेगा
तो इसमें भोजन बनाती, आटा मलती है तो भगवान के चरणामृत का प्रसाद मिलेगा। तो भगवान ने कहा केवट, हमने कहा गंगा जल लेकर आओ और तुम तो पानी ले आए घर से। केवट ने कहा सरकार ये गंगा जल हमारे किसी काम का नहीं है, गंगा जी हमारी किसी मतलब की नहीं। कारण? बोले मैंने तो ऐसा सुना है कि 400 कोस दूर से भी कोई गंगा जी को मुंह करके गंगा जी की जय बोल दे वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। पक्षी उड़कर गंगा पार कर ले अगला जन्म उसका मनुष्य योनि में आ जाता है और हमारी सारी जिंदगी गंगा जी में निकल गई। फिर भी हम सरकार अछूत के अछूत रह गए, कोई हमको पास बिठाना पसंद नहीं करता है, हमारे हाथ की छुई चीज लेना पसंद नहीं करता है। सरकार ये भगीरथ की गंगा, ये ब्रह्म कमंडल की प्रकटी गंगा, ये तो हमारे समाज का उद्धार नहीं कर पाएगी। आज मैं अपने कठौते से नवीन गंगा प्रकट करूंगा जो मेरे समाज का उद्धार करेगी। महाराज आ जाओ, और एक हाथ में कठौता लेकर प्रभु का चरण धोने लगा। अति आनंद केवट, तेरे जैसा कौन बड़भागी होगा जिनका नाम भवसागर पार करा देता है। आज वो स्वयं तुझसे गंगा पार करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, निहोरे कर रहे हैं, फूलों की वर्षा, और केवट झूम रहा है एक हाथ में कठौता। प्रभु एक चरण से खड़े तो भगवान थोड़े डगमगाने लगे। तो बोले कि केवट क्या करता है यार, ठीक से दो। बोले मैं तो ठीक से दो रहा हूं। बोले कहां ठीक से दो रहा है, हम गिर जाएंगे। केवट डांट जा, गिर कैसे जाओगे, सीधे खड़े हो। अरे कोई बालक हो क्या जो गिर जाओ सीधे कर। अरे यार सीधे तेरे सामने अच्छे अच्छे सीधे हो गए, तूने हमारे लखन को सीधा कर दिया, मेरी तो बात ही छोड़ दे। भले आदमी तू एक हाथ में कठौता लेके बैठा है, अब तू झूम रहा है तो ये कठौता झूमता है, हम पैर से एक से खड़े हैं तो हम भी डगमगाने लगते हैं, हम गिर जाएंगे। अच्छा अच्छा गिरने का डर लगता, हाँ ऐसा करो दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लो फिर नहीं गिरो। और भगवान ने दोनों कर कमल से केवट का सिर पकड़ लिया जैसे